Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Muhammad Fizan and the topic is class 9, chapter number 9 and exercise 9.1 and question number 2. आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिफाइन करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो उन्होंने हमें दो पॉइंट्स दिए हुए थे. क्या दिए हुए थे? दो पॉइंट्स, मतलब एक एक पॉइंट होता था ये और बी हमारे पास एक पॉइंट होता था ये, मतलब उनमें हमारे दोनों पॉइंट्स मौजूद थे. बट आज की क्वेश्चन में हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पॉइंट मौजूद नहीं है. मिसाल के तौर पर क्वेश्चन में लिखा है लेट पी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट एंड ए एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में लिखना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P and Q, ठीक है? ये हमारे पास P और Q का डिस्टेंस फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ये पॉइंट है, ये P है, P है और ये Q है. इन दोनों का हम लोगों ने क्या है फाइंड करना है डिस्टेंस. बट हमें जो P के पॉइंट दिए गए ना, मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो पॉइंट्स में नहीं दिया. मिसाल के तौर पर जो फर्स्ट पार्ट में आपको समझा देता हूँ, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास देखें आपके पास क्या सीन है कि A is equal to 9, ठीक है, एंड सेकेंड इज B is equal to 7. तो ये b इज इक्वल, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया a इज इक्वल टू 9, ये a है, ठीक है, और b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 7. अब इसमें देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्या सीन था कि आपको वो दो पॉइंट्स दे चुके थे, उन दो पॉइंट्स को फिर आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूले में अप्लाई करते थे. डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या होता था कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता था जिसका आप लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते थे और सॉरी डिस्टेंस फाइंड करते थे आपके पास दो पॉइंट. बट आज की इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है उसमें हमारे पास a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू 7. अब मैं सिखा देता हूं इसको इस पॉइंट में कन्वर्ट कैसे करना है. अब देखिए ये है हमारे पास p, ये है q, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कह लेते हैं, यानी p q नहीं, अब p और q का डिस्टेंस फाइंड करना ना, इस p का फाइंड करना हमें पॉइंट का पता नहीं और q का डिस्टेंस फाइंड करना हमें पता नहीं है. तो P मेरे पास कैसे बनेगा, मैं P बनाने की कोशिश करूं, P इक्वल्स टू कॉम ये आगे ब्रैकेट आ गया. अब यहां पर देखिए A क्या है 9 है और B क्या है 7 है, फॉर उसको छोड़ दे, इसके ऊपर देखें A इज इक्वल टू 9 मतलब कि X हमारे पास है और B सेकंड नंबर पे, तो B क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह फिर मुझे मैं Q बनाने की कोशिश करूंगा, तो अब देखिए इस Q में A नहीं है तो A की जगह मैं क्या ऐड करूंगा 0 और B की जगह क्या आ जाएगा 7, ठीक है. बात समझ आई कि नहीं? P बनाते वक्त मेरे पास A था वो 9 था, लेकिन यहाँ पे A में हमारे पास फिर B नहीं था, B की जगह फिर मैंने क्या लेट किया, मिसाल Y को मैंने क्या लेट किया 0, फिर इसी तरह Q था तो Q की जगह पहले 0 और फिर वो 7 आ गया, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या सीन होगा, P और Q की वैल्यू निकल आई, ठीक है. अब P और Q को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में सिंपल पुट कर सकते हैं, ये P है और ये Q है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा पी क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है. इस तरह मेरे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा. तो ये इसको इसी तरह सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन एक्स वन वाई वन क्या है, इसको एक्स टू वाई टू कह लो, ठीक है. इस तरह अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स टू क्या है 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस वाई टू क्या है 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 7 का होल स्क्वायर 49. इन दोनों को आप लोग प्लस करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर निकल आएगा. अगर नहीं तो मैं इसकी कैलकुलेशन भी करके सिंपल कैलकुलेशन करनी, 81 प्लस 49 करेंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर निकल आएगा. आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ चुकी होगी, यहां तक आप लोगों को कोई मिस्टेक नहीं होगी. लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि इसका जो आंसर आ रहा है मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इधर आ जाएगा अंडर रूट 130, ठीक है, अंडर रूट 130, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सही है. तो दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं कि कैसे आप लोगों को, ये देखिए ए आपको दिया गया 9, बी दिया गया 7, तो ए फिर हम लोगों ने पी की वैल्यू को फाइंड किया था, पी पॉइंट फाइंड करने थे, तो पी पॉइंट पे आप जब देखेंगे तो आपके पास ए क्या है 9 है और बी आपके पास वहां पे नहीं है, मीन एक्स आपके पास क्या है 9 है और वाई आपके पास 0 है. फिर बी पॉइंट पे आप आएंगे तो बी पॉइंट पे एक्स 0 है वाई 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 0, ठीक है. तो इस तरह हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा, 0, 7, 9, 0 और 0, 7, ठीक है. तो ये आपके पास इसके पॉइंट्स बनेंगे. अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल ही है, उसमें आपको दो पॉइंट्स दिए गए a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3. तो मैं आपको पॉइंट बना देता हूँ, पॉइंट में आपके पास क्या आ जाएगा, तो एक जब आप p पॉइंट बनाएंगे तो p पॉइंट पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 0,
ठीक है, और क्यू पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0 और 3, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपके पास y नहीं, यहाँ पे x नहीं है, तो x की जगह 0 और y की जगह 0। फिर आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, a = - 10 और b = 6। ये भी सिंपल ही है, अभी दूसरा पार्ट था, ठीक है जी आपके पास। अब इसकी थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, तो थर्ड पार्ट भी सिंपल ही है। थर्ड पार्ट में देखें आपके पास a = - 8 और b = 6, तो इसको भी हम लोग देख लें। अब देखें a यहाँ पे -8 है और b 0 है, मतलब x हमारे पास क्या है -8 और y क्या है 0, तो ये p की वैल्यू हो जाएगी। फिर q की जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या है x 0 है और y आपके पास 6 है, तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आ गए। फिर पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं, तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या सीन है, या यहीं पे मैं करा देता हूँ। पार्ट नंबर 4 में आप लोग देखें कि पार्ट नंबर 4 में मेरे पास है a इक्वल टू माइनस 2, ये मैं बुक से क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है, और b मेरे पास है इक्वल टू माइनस 3, तो ये मेरे पास आ गया। अब a इक्वल टू माइनस 2 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि आप लिखेंगे यहाँ पे x क्या है माइनस 2 और y क्या है 0, तो ये आपके पास p के पॉइंट्स हो जाएंगे और q पॉइंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे 0 एंड माइनस 3। ये पार्ट 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 की तरफ आता हूं, तो पार्ट नंबर 5 में मेरे पास क्या होगा, हाँ पार्ट नंबर 5 मेरे पास दिया गया a इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 1, और ये पार्ट मैं सॉल्व भी करके दिखाता हूँ कि दोबारा आप लोगों को ताकि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब p क्या बनेगा, p इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और 0 एंड q इज इक्वल्स टू 0 एंड 1, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, तो पी क्यू की आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास x2 क्या है, ये x2 कहलाता है, ये x1 कहलाता है, तो 0 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ के बाद हमारे पास आ जाएगा कि भाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस के साथ ऊपर होगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा तो 2 प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर था अंडर रूट 3, और इसका पार्ट नंबर 6 भी सेम एज इट इज है। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को जो मैंने सिखाना था वो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आपने पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना था, बट आप लोगों को जो पॉइंट्स दिए गए थे वो ए और बी में पॉइंट्स दिए गए थे, तो ए और बी, ए क्या था आपके पास 9 था और बी क्या था आपके पास 7 था फॉर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ए के अंदर आप लोगों ने क्या किया कि भाई 9 क्या था x कंसीडर हो गया और y इसमें a में था नहीं, तो हम लोगों ने वो 0 लिख लिया। फिर b के अंदर क्या था x नहीं था b, अब देखिए a और b इसके सीक्वेंस को समझे, सही है, तो यहाँ पे x आपके पास दिया गया y 0, यहाँ पे y दिया गया और x 0, तो ये इस तरह आप लोगों के पास पॉइंट्स कंसीडर हो जाएंगे। सो आई होप आप पास की वीडियो में ये लेक्चर समझ आ चुका होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू, वो क्वेश्चन भी आप लोग कह रहे हैं कि लेट p द पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो p हमारे पास बन रहा है, मैं आपको ग्राफ में समझा देता हूं, जो p पॉइंट बन रहा है वो x एक्सिस के किसी पॉइंट पे है विद x कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट पे x एक्सिस पे कोई पॉइंट ना रहा है, ठीक है, एंड q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस, और जो q है हमारे पास वो y एक्सिस पे, सही है, विद y एज द गिवन बिलो, ठीक है। फिर हम लोगों ने इस तरह इसके पॉइंट को तलाश करना है और वो पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को तरीका सिखा दिया, एक आसान मेथड था। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को पॉइंट निकालना आ गए होंगे और आप लोगों को पॉइंट बनाना भी समझ आ चुके होंगे। सो आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा।